गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग MongoDB यूज़ कर सकते हो ऑप्टिमल वे में अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन के साथ। तो क्विकली मैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर आऊँगा बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फ्लास्क पाई मोंगो से मिलवाऊंगा। अब आप लोग कहोगे कि यार फ्लास्क पाई मोंगो क्यों यूज़ करें, हम डायरेक्टली पाई मोंगो यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो यार उसका रीज़न ये है कि आप कर तो सकते हो पाई मोंगो यूज़, लेकिन फ्लास्क पाई मोंगो करता ये है कि ये बना है फ्लास्क को पाई मोंगो के साथ यूज़ करने के लिए। पाई मोंगो ऑफिशियल MongoDB का ड्राइवर है पाइथन के लिए, लेकिन जब हम फ्लास्क पाई मोंगो का इस्तेमाल करते हैं तो एक सबसे बड़ी एडवांटेज जो हमको मिलती है वो ये मिलती है कि फ्लास्क के साथ सीमलेसली काम करता है फ्लास्क पाई मोंगो। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक कोड प्लेग्राउंड के अंदर फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम मैं रखूंगा फ्लास्क मोंगो। और अगर आप लोग विंडोज़ में है तो सिंपली टर्मिनल खोल लेना इस फोल्डर में, नहीं तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, न्यू टर्मिनल एट फोल्डर कर रहा हूँ और कोड डॉट लिख रहा हूँ, और कोड डॉट लिखने के बाद यहाँ पर मैं एक सैम्पल फ्लास्क ऐप बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक main.py फाइल बनाऊँगा, एक स्टैटिक फोल्डर बनाऊँगा और एक टेम्पलेट्स फोल्डर भी आप बना सकते हो ताकि आप अपनी फ्लास्क ऐप को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर कर दो। लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर main.py बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर एक सैम्पल फ्लास्क ऐप बनाने वाला हूँ, फ्लास्क मिनिमल ऐप, ठीक है, इस तरह से लिखूँगा। और ये 1.1 क्यों खुल रहा है, मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए फ्लास्क का, और 2.2.x मैं यहाँ पर जल्दी से फ्लास्क ऐप अपनी चला लूँगा। और फिर उसी के साथ साथ मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही क्विक थिंग है और लोग इसके साथ स्ट्रगल करते हैं, बट ये बहुत ही क्विक थिंग है। आप क्या करें, एक तो फ्लास्क पाई मोंगो को इंस्टॉल कर लें, अगर आपने फ्लास्क इंस्टॉल नहीं कराया तो फ्लास्क को भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो फ्लास्क और फ्लास्क पाई मोंगो, ठीक है, ये दोनों आप जो है इंस्टॉल कर लें। मैं उतनी देर में क्या करता हूँ, यहाँ जल्दी से ऐप डॉट रन लिख देता हूँ, ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल टू ट्रू, और डीबग इज इक्वल टू ट्रू लिखने से आपके जो भी एरर लॉग्स हैं वो आ जाते हैं। जब जब आपका एरर आएगा तो आपको ब्राउज़र पे ही देखने को मिलेंगे एरर लॉग्स। और अब इसको रन कर लेते हैं सर्वर को, डेवलपमेंट सर्वर चालू हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है। अब पाई मोंगो को कैसे यूज़ करें, रादर फ्लास्क पाई मोंगो को कैसे यूज़ करें MongoDB से कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर MongoDB कॉम्पस चला रहा हूँ, ठीक है, मेरा MongoDB इंस्टेंस रेडी है। अगर आप चाहें तो आप एटलेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, MongoDB एटलेस का URI आप लोगों को लगाना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लास्क पाई मोंगो की डॉक्यूमेंटेशन में आकर आपने सिंपली करना क्या है, ये कॉपी करना है, और ये कॉपी करने के बाद आप लोगों को अपनी ऐप में लेकर आना है। तो जहाँ पर ऐप इज इक्वल टू नेम फ्लास्क लिखा था उसकी जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ, फ्लास्क का इंपोर्ट ऑलरेडी लगा हुआ था फ्लास्क पाई मोंगो से, मैंने पाई मोंगो इंपोर्ट किया, ये मेरा लोकल जो है MongoDB का URI है। और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, मेरी MongoDB कॉम्पस चालू हो चुका है, कनेक्ट करता हूँ लोकल इंस्टेंस से MongoDB के, और मैं अपने MongoDB के लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट हो चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं अब क्या कर सकता हूँ कि अपनी ऐप को रीस्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी हो गई है क्योंकि मेरा डीबग इज इक्वल टू ट्रू है। और अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ mongo.db. और इसके बाद मैं लिखूँ मान लो कोई भी मेरी एक कलेक्शन का नाम जो कि माई डेटाबेस में हो, मान लो मैं एक कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं मान लो लिखता हूँ db.inventory. और यहाँ पर इंसर्ट वन करता हूँ मान लो, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करना चाहता हूँ A1 इस डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ। और अब मैं अगर अपने इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा, मैं इसको हिट करता हूँ और ये कह रहा है एक्सेस डिनाइड, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग, मेरा जो सर्वर है वो बंद हो चुका है। तो मैं अगर अभी इसको रीलोड करूँ, इसको मैं रीलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा है, ओके सो ये चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो 5000 पोर्ट है वो कभी कभी मैक में नहीं चलता है। उसका रीज़न ये होता है कि 5000 पर कुछ और रन हो रहा होता है तो हम पोर्ट को चेंज करेंगे। ये भी एक बात है जिससे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, मेरे हिसाब से उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। तो मैं इसको जल्दी से कंट्रोल सी करके दोबारा से सर्वर चलाऊंगा और अब मेरा 5000 पोर्ट पर ये खुल चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। MongoDB कॉम्पस में जाकर अगर मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखो माई डेटाबेस नाम से डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन गया, इन्वेंट्री नाम से कलेक्शन बन गई, और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर A1 नाम से डॉक्यूमेंट भी सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग जो है MongoDB फ्लास्क के साथ यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि आप लोग पाई मोंगो का इस्तेमाल करें क्योंकि
पाईमोंगो ऑफिशियल ड्राइवर है मोंगो डीबी के लिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं मोंगो डीबी में डेटा डालने के, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। फ्लास्क अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फ्लास्क पाईमोंगो इज़ द पैकेज, इसी को इस्तेमाल करो। मुझे पता है कि आप लोग टेम्पटेड रहेंगे डायरेक्टली पाईमोंगो यूज़ करने के लिए, बट फ्लास्क पाईमोंगो आप यूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन में कभी कोई एरर नहीं आएगा, प्रोडक्शन में आपकी एप्लीकेशन जाएगी बहुत स्मूथली काम करेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे हेल्पर फंक्शंस हैं जो कि आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हो। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग इसको कुछ इस तरह से करना पसंद करते हैं, मोंगो इज इक्वल टू पाईमोंगो ऐप डॉट डीबी कर दिया और उसके बाद, या फिर कुछ इस तरह से करते हैं, मैं बताता हूँ, db इज इक्वल टू पाईमोंगो ऐप डॉट डीबी। और ये सिंटेक्स लोगों को याद रहता है ना, db डॉट इन्वेंट्री डॉट इंसर्ट वन। मान लो मैं b2 करूँ इंसर्ट, और अभी मैं हिट करता हूँ अपनी ऐप को मैंने हिट किया, और जैसे ही अपनी ऐप को हिट करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर देखो b2 आ गया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसे करवाती है, देखो इसको बंद करता हूँ। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसे करवाती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि यार आप क्या करो कि कुछ इस तरह से पाईमोंगो ऐप बना लो और फिर उसके बाद मोंगो डॉट डी बी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड करो। लेकिन मैं पर्सनली अगर आप लोगों को बताऊँ, मैं ऐसे इसको रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मेरा जो ये सिंटेक्स है ना, मुझे कहीं काइंड ऑफ रटा हुआ है, db डॉट समथिंग डॉट इंसर्ट वन, db डॉट समथिंग डॉट फाइंड, db डॉट समथिंग डॉट समथिंग। तो ये वाले सिंटेक्स पे मैं बने रह पाता हूँ अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो, और उसी के साथ साथ ईजी हो जाता है मेरे लिए चीज़ें करना पर्सनली, ठीक है। वैसे आप मोंगो डॉट डी बी डॉट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी करना पसंद करते हैं कि db इज़ इक्वल टू ना करके वो कुछ और यहाँ पर लिख देते हैं, डेटाबेस डॉट इन्वेंट्री डॉट फाइंड लिख देते हैं, या फिर मोंगो डॉट इन्वेंट्री डॉट फाइंड लिख देते हैं। इट्स टोटली फाइन टू डू वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विथ। और उसी के साथ साथ अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये क्या कर रहा है कि हम पाईमोंगो ऐप का db एक्सेस कर रहे हैं और उसको db वेरिएबल से असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि mongo इज इक्वल टू पाईमोंगो ऐप, तो mongo डॉट db करना पड़ेगा। यहाँ हमने पहले से ही डॉट db कर लिया है तो हमें यहाँ पर डॉट db नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर mongo कह रही है, मैं db कह रहा हूँ। एनीथिंग वर्क्स। आप लोग अगर बिगिनर हैं, मैं तो कहूँगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही आप जो है प्रेफर करें उसके सिंटेक्स को, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कभी भी आपको एरर आएगा, या कभी भी आप मोस्टली जहाँ जहाँ कोड देखोगे आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करते हुए ही कोड देखने को मिलेगा। तो आप लोग के डीबगिंग इजी रखने के लिए आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। बट आई होप कि फ्लास्क को पाईमोंगो और मोंगो के साथ यूज़ करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तो एक क्विक वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए बना दिया, बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है। अब यहाँ पर आप अपने एंड पॉइंट्स बना सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अगर आप फाइंड करोगे तो कुछ भी नहीं, बस बहुत ही सिंपल है यार, फाइंड करोगे अगर आप लोग। यहाँ पर मैं ज़रा आपको रेप्लिकेट करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने a इज इक्वल टू ये लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये फाइंड कर दूँ, मान लो, ठीक है, मान लो मैं फाइंड करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट a करूँ, ये a और टाइप ऑफ a करता हूँ, मान लो मैं प्रिंट, और मेरा जो सर्वर है ना वो स्टॉप हो चुका था, मान लो मैंने इसको हिट किया, हिट करने के बाद आप देखो तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि एक कर्सर ऑब्जेक्ट मुझे मिला है और जो इसका टाइप है वो कर्सर है। तो होता क्या है कि मैं यहाँ पर फॉर आइटम इन a कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट ए कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रिंट ए लिखूँगा, फॉर आइटम इन ए प्रिंट ए मैं करूँगा। तो आप लोग देखो जैसे ही मैं हिट करूँगा इसको तो होगा क्या कि मुझे यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है तो मैं कैसे प्राप्त करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए और उसके बाद यहाँ पर ए, और अब मैं अगर इसको रीस्टार्ट करूँ अपने सर्वर को और हिट करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो कैन नॉट सेट ऑप्शंस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। तो यार गलती मैंने ये करी, मुझे यहाँ पर आइटम लिखना था एक ही जगह पर, और अब मैं हिट करूँगा अगर अपने सर्वर को तो ये कह रहा है की एरर ए, की एरर ए इसलिए कह रहा है क्योंकि ए सब जगह नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मोंगो डीबी में आकर जल्दी से, ये b2 है तो बी है सब में, ए नहीं है लेकिन, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ना बी कर देता हूँ, ठीक है, बी कर देता हूँ, बी अपडेट कर दिया डॉक्यूमेंट और यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्वर हमारा जो है रीस्टार्ट हो गया है, अभी मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये एरर खत्म हो गया और आप देख सकते हो 1 2 2 2 2 2 ये आ गया। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोग जाएं आगे बढ़ें, अपने मोंगो डीबी ऐप को कंप्लीट करें और फ्लास्क के साथ मोंगो डीबी को इस्तेमाल करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।